अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बताएंगे कि एटीएम पर जो वायरस का ख़तरा है वो एटीएम पर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बटन है, हर कोई बंदा इसको टच करता है, क्योंकि इधर वो स्टे कर सकता है जरा सी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, तो इत्यादि तदाबीर आप इख्तियार करें ताकि आप किसी भी नागानी आफत से बच सकें, या कोई भी आप इस तरह की चीज़ ले लें जिससे आपकी तरफ वो वायरस जो जानलेवा है। ये देख लें कि एटीएम पर भी उन्होंने हैंड वॉशिंग मास्क वगैरह और हैंड शेकिंग का अवॉइड किया कि इसे अवॉइड करें आप। तो आपने करना ऐसे है क्योंकि हर बंदा इसको इस्तेमाल करता है, तो आपने एटीएम कार्ड अपना डाल लेना है। तो एटीएम कार्ड मैंने डाल दिया है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह आप बच सकते हैं। तो आपने कोई भी चाबी या इसके मतबादल कोई ऐसी चीज़ ले लेनी है जिससे आप बच सकें। तो मैंने अपना वो डाल दिया है एटीएम, तो मैंने ये चाबी ले लिया, या इसके मतवादल कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जिससे आपके पास ये वाला जरासीम का ख़तरा कम हो जाए। तो मैंने ट्रांजैक्शन कर दी है, तो आप इस तरह बच सकते हैं। किसी भी कोई मेटल की चीज़ हो या ऐसी चीज़ जिससे कि जिससे आपकी तरफ कोई ऐसा जरासीम मुंतकिल ना हो। तो अगर आप थंब इंप्रेशन करते हैं तो आपने फौरी अपना हाथ किसी सैनिटाइज़र या जरासीम कुछ अदविया से फौरी आपने वाश कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे पैगाम अच्छा लगा होगा। तो पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आप इस तरह कोई भी ऐसी चीज़ या चाबी वगैरह या दूसरी इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।